हेलो भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार। और देख ही सकते हो द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पे आ चुके हैं रायरामपुर मयूरभंज ओडिशा में। तो ब्लॉग में बने रहिए और दिखाएंगे आपको बहुत ही नज़दीक से, तो देखते रहिए। तो देख ही सकते हो रास्ता बहुत ही क्लियर है, कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आने वाले हैं। उनका टाइम था करीब 8:30, इसलिए हम दोनों और एक दोस्त के साथ पहले ही पहुँच चुके हैं, ताकि आपको भी बहुत नज़दीक से उनको दिखा सके। तो ब्लॉग में बने रहिए और देखते हैं कब तक वो यहाँ आ जाते हैं। तो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है डांडबूस एयर स्ट्रिप, जहाँ से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जसीपुर जाने वाले हैं। तो वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर है, तो आपको भी दिखाते हैं उनका हेलीकॉप्टर यहाँ डांडबूस एयर स्ट्रिप में। तो ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय कीजिए। जब वो आ जाएंगे तो पूरे नज़दीक से आपको उनसे मिलवाएंगे। तो ब्लॉग में देखते रहिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइस देख सकते हो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डांडबूस एयर स्ट्रिप में, और यहां पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। देख ही सकते हो काफ़ी भीड़ लग रहा है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो यहां आने वाले हैं। तो देख ही सकते हो अभी ऑडियंस ही ऑडियंस है, और ये ग्राउंड कुछ इस तरह का बना हुआ है। वो हेलीकॉप्टर देख ही सकते हो, वो द्रौपदी मुर्मू उस हेलीकॉप्टर से वापस जसीपुर जाने वाले हैं। तो देख ही सकते हो ऐसे कुछ नज़ारा है डांडबूस एयर स्ट्रिप का। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। तो देख ही सकते हो गाइस, ये डांडबूस के पास वाले ही एक जगह है जहाँ पे पंडित रघुनाथ मुर्मू कॉलेज की स्क्रिप्ट राइटर, उनका भी आज जन्मदिन है। तो यहाँ पे भी द्रौपदी मुर्मू आने वाले हैं उनके समाधि के ऊपर फूल चढ़ाने। तो ऐसे कुछ सजावट किया गया है गाइस, तो देख ही सकते हो वो जब आएंगे तो आपको भी उनसे मिलवाएंगे। अगर आप में से किसी को भी पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के बारे में पता नहीं है, तो आप गूगल में पता कर सकते हैं कि पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन है। वैसे देख ही सकते हो वहाँ पे बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे दूसरे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि हम लोग यहाँ पे आ पाए, क्योंकि इसी दिन को द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये दूसरा रास्ता है जहाँ से हम लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं, और मेन एंट्रेंस रास्ता जो है वो बंद है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू वहाँ से एंट्री करने वाले हैं। तो जब वो आएंगे हम आपको उनसे मिलवाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे जितने भी लोगों को आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को देखने ही नहीं आए हैं, क्योंकि आज पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्मदिन है। तो वो यहाँ पूजा करने हर साल अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो देख ही सकते हो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। तो
अभी वक्त हो गया है द्रौपदी मुर्मू जी का आने का, तो आपको उनसे जल्द ही मिलवाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस देख सकते हो फाइनली द्रौपदी मुर्मू एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे, तो मैं ही हूँ शायद पहली बार हिंदी में सभी भारतवासियों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो भी ओडिशा के बाहर के लोग हैं वो भी ये वीडियो देख सकें और उनको भी कुछ समझ में आए और वीडियो का आनंद लें। तो देख ही सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू अभी पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के समाधि पर फूल चढ़ाने जा रहे हैं, फिर वापस लौटने समय वो हमसे ज़रूर मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो देख ही सकते हो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अभी पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के समाधि पर फूल चढ़ाकर वापस आ चुके हैं, तो इतना नज़दीक से हम लोग ने उनको देखा, ये बहुत सौभाग्य की बात है और वीडियो के माध्यम में सभी लोगों को ये दिखा पा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी लग रहा है। तो देख ही सकते हो कितने नज़दीक से, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो उनका और भी नज़दीक वाला वीडियो जो हमने बनाया है आपको दिखाएंगे और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उनसे तो वो मिल चुके हैं, लेकिन बाहर भी कुछ लोग हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं, तो आपको दिखाते हैं वो वाला कुछ नज़ारा। तो ये जब द्रौपदी मुर्मू अंदर जा रहे थे तभी का सीन है, जो कि एक दोस्त बाहर ही रह गया था, वो बाहर का कुछ वीडियो बना लिया है। तो देख सकते हो वो जो झंडा वाला गाड़ी था, जिस गाड़ी में आगे में इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू बैठे हुए थे और वो अंदर जा चुके हैं। और ये गणेशी लाल ओडिशा के गवर्नर, मैं तो कभी जानता भी नहीं था इनको, बस टीवी सब में ही देखता रहता था, लेकिन आज पहली बार इतने नज़दीक से इनसे मुलाकात हो पाया, ये बहुत ही खुशी की बात है गाइस। और आप सभी को भी इतना नज़दीक से मैं दिखा पा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, तो बहुत ही खुशी लग रहा है। तो ये कुछ सीन है जब द्रौपदी मुर्मू बाहर निकल रहे थे और अपने दर्शकों से भी मिलने की उम्मीद बहुत थी,
क्योंकि अपने ही गांव के लोगों से मिलने से उनको बहुत ही खुशी मिलती है। तो देख ही सकते हो यहाँ पे काफ़ी लोग भीड़ जमाए खड़े हुए हैं, इतने धूप में भी प्रेसिडेंट द्रौपदी जी से मिलने बहुत दूर दूर से इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो अभी निकल चुके हैं द्रौपदी मुर्मू अपने गाड़ी से, देख सकते हो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो सभी से मिलने आए और मिलके वापस जाने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा इतने नज़दीक से आपको भी दिखा पा रहे हैं और देख सकते हो लोगों को कितना ही पसंद आ रहा है कि सभी लोग मोबाइल पकड़ के खड़े हुए हैं उनका वीडियो खींचने के लिए और थोड़ा सा झलक देखने के लिए। तो बहुत ही मज़ा आया गाइस, देख सकते हो और भी क्लोज शॉट आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। देख ही सकते हो कितना सारा गाड़ी द्रौपदी मुर्मू जी के पीछे पीछे जा रहा है। तो फुल सिक्योरिटी के साथ उनको मद्देनजर रखते हुए देख ही सकते हो फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है, तो फुल डिटेल में द्रौपदी मुर्मू जी का हर एक मूवमेंट आपको दिखा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। गाड़ी
ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱚᱯᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱞᱮᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱚᱯᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱞᱮᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱟᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱪᱩᱨᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱤᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱤᱧᱟ ᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱳᱭ ᱟᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ तो अभी तो सभी लोग इन्हें जानते ही होंगे क्योंकि अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बन चुके हैं, तो मैं बस अच्छे क्वालिटी में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और देख ही सकते हैं न्यूज़ समय भी आप देखे ही होंगे उन्हें, लेकिन न्यूज़ चैनल में इतने अच्छे क्वालिटी से नहीं दिखाते हैं। तो मैं आपको अच्छे क्वालिटी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ओडिशा के जितने भी यूट्यूबर हैं वो सभी लोग उड़िया और संताली आदिवासी लैंग्वेज में ब्लॉग बना रहे हैं, तो सभी लोगों को समझ में आए इसीलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। तो जितने भी ओडिशा के बाहर लोग देख रहे हैं तो ये वीडियो को आप शेयर कीजिए और सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी आए थे और सभी लोगों से मिल के वापस जा रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो देख ही सकते हो गाइस, अभी वो डांबूस एयर स्ट्रिप के तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर है और वहाँ से वो जसीपुर चले जाएंगे। फिर आज का प्रोग्राम है जो कि हमारे मयूरभंज ओडिशा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क चिमड़ी पार्क, वहाँ जाएंगे और वहाँ कुछ मीटिंग है उनका, फिर वहाँ से बारीपदा चले जाएंगे। फिर बारीपदा में एमपीसी में कुछ प्रोग्राम है, फिर वापस वहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे 6 मई को। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए आगे क्या होता है वो आपको पता चलेगा।
देख ही सकते हो कितना सारा भीड़ है और कितना सारा गाड़ी यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इसके अंदर तो किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर छोड़ देंगे सभी लोगों को तो अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, इसीलिए किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और देख ही सकते हो यहाँ पे 4 हेलीकॉप्टर खड़ा है, जिनमें से ये बीच वाला हेलीकॉप्टर में द्रौपदी मुर्मू बैठने वाले हैं और यहाँ से सीधा जसीपुर चले जाएंगे। तो देखते रहिए, और हेलीकॉप्टर जब ऊपर उड़ेगा तभी का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। मुझे पता है वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए फुल डिटेल में द्रौपदी जी को, तो वीडियो में बने रहिए। और देख ही सकते हैं यहाँ पे भाई लोग कितनी मेहनत से पेड़ के ऊपर में चढ़ के भी उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम दीवार में बैठे हुए हैं चुपचाप। तो गाइस अभी देख ही सकते हो हेलीकॉप्टर का पंखा चालू हो चुका है, और अभी द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ से निकल नहीं वाले हैं, तो दिख ही सकता होगा आप लोगों को। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो गाइस देख ही सकते हो धीरे धीरे अभी हेलीकॉप्टर निकल चुका है, तो हम ये भी वापस घर चले जाएंगे। और अगर आप वीडियो की एंड तक देख ही चुके हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। समझ ही चुके होंगे ये स्पेशली ओडिशा के बाहर लोगों के लिए है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सभी लोगों को दिखाइएगा।